सियासी अख्तलाफात के बावजूद चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने असेंबली में हैदराबाद की तरक्की के लिए AIMM कायदीन से ताउन की ख्वाहिश का इजहार किया है। हम लोग जिम्मेदारी से यहाँ हैदराबाद क्षेत्र से जो पार्लियामेंट में 7 MLA से हम लोग बुलाए सचिवालय पे, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस में भी देर, मगर जब हम तरक्की करना है आगे हैदराबाद शहर को हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अच्छा शहर बनाने के लिए हमारे दोस्तों से हम गुजारिश किए, भाई आप साथ आ जाओ, जो चाहिए जो पेंडिंग है, जो हैदराबाद तरक्की के लिए हम जिम्मेदारी से जो करना है हम जिम्मेदारी उठाएंगे, आपके साथ लेंगे, हम सरकार चलाने के लिए आज जिम्मेदारी से यहां से मैं हमारे MIM पार्टी को चुनाव में जो है आपका मर्जी आपकी है, हमारा मर्जी हमारी है, जो पार्टी हमारा चुनाव लड़ना है हमारे हमारे तरीके से लड़ेंगे। मैं जो हैदराबाद शहर है देश का निशान है, वो हैदराबाद शहर का नाम पूरा दुनिया में रोशनी करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, वहां पर आपके मदद जरूर लेंगे, कोई शक नहीं है। ड्रग्स के बारे में आप सामने आके दो कदम आके हमारे मदद दी, हम धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स को इराकेट करना है हमारा जिम्मेदारी है, हमारे बच्चे है हमारे परिवार है, जो पंजाब को देखने के बाद भी हम नहीं सुधरे तो दुनिया कोई भी अपने को माफ नहीं करने वाले। इसीलिए यहां से मैं जिम्मेदारी से यकीन से मैं वादा कर रहा हूं, ये सरकार को अच्छा चलाने के लिए ये पूरा तेलंगाना में जितना जनता है उनके उनके भला के लिए उनके वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के लिए, खासकर माइनॉरिटी, वो मे बी क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी और एनी अदर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में कोई अंतर नहीं है, माइनॉरिटी के जो फंडामेंटल राइट्स हम बचाए, हम सेक्युलर फैब्रिक है, ये सेक्युलर फैब्रिक बचाने के लिए ये देश में कुर्बानी किए महात्मा गांधी जी ने, इस देश में कुर्बानी किए शहीद हुए इंदिरा गांधी जी ने, इस देश में शहीद हुए राजीव गांधी जी ने, इस देश में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने पदवी त्याग किए, कभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मौका मिले तो भी दूसरों को जो जिम्मेदारी लोगों को वो कुर्सी पे बिठाए। इसीलिए यकीन से मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में दलित आदिवासी गिरिजन OBC माइनॉरिटी महिलाओं के भला के लिए कांग्रेस पार्टी आगे सरकार चलाएंगे। आप लोग कभी भी 24 घंटा कभी भी आपको कुछ सरकार को सुझाव देना है तो हम लोग वेलकम कर रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष।